नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, तो प्रायद्वीपीय पठार में हमने कई सारी स्थलाकृतियां पढ़ी। इसके बाद हम उसी के आगे स्थलाकृतियां पढ़ रहे हैं जो उसमें बची थी। तो दोस्तों, ये है टारगेट इन गोल, आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें शेयर करें। दोस्तों, ये विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में आपका एक क्लिक हो सकता है किसी को किसी न किसी तरह की हेल्प दे जाए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले पढ़ते हैं अपन दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को यदि हम देखें तो जो अपना महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र में दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार इसके पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि दक्कन का पठार काली मिट्टी से है बना हुआ है। काली मिट्टी अभी इसलिए है इसमें क्योंकि इसकी जो मूल संरचना है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और वो ग्रेनाइट इस कारण से बना था कि वहां से जमीन के नीचे से निकला हुआ जो लावा था उसी लावे से इसका निर्माण हुआ था, जो कि ग्रेनाइट के रूप में बना। और फिर इसके बाद में वही ग्रेनाइट पत्थर जब टूटे और कई तरह की रासायनिक और भौतिक क्रियाएं हुई तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित ये दक्कन का पठार, और इस दक्कन के पठार में कई सारी जो अन्य संरचनाएं हैं, अन्य संरचनाओं में जैसे अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र, ये जो सारी पहाड़ियां हैं, ये सारी पहाड़ियां इसी क्षेत्र में स्थित है। और इसके बाद अगर हम देखें दंडकारण्य पठार, तो दंडकारण्य पठार है जो वो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अगर पास से हम देखें तो उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो दंडकारण्य पठार है, वो दंडकारण्य पठार भी इसी दक्कन पठार का भाग है। और ये पठार की भी जो प्रकृति है वो भी काफी उपजाऊ किस्म की है। उपजाऊ किस्म की ऐसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र चावल के लिए विशेषकर, और इसके बाद यदि हम देखें तो बस्तर, छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर, उस बस्तर में इसी पठार का विस्तार है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ का बस्तर पठार ही अपने पूरे भारत में इनका, इन धातु का मात्र एक भंडार सिर्फ यहीं पर है। इसके बाद अगर हम इसी में देखें तो थाल घाट और भोर घाट, दो दर्रे जो हैं वो दो दर्रे इसी महाराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो थाल घाट दर्रा है, अगर हम थाल घाट को देखें तो थाल घाट मुंबई से नागपुर, मुंबई से नागपुर की जो सड़क जाती है वो इसी दर्रे से है। इसके बाद यदि हम बात करें भोर घाट दर्रे की, तो भोर घाट दर्रे से हमारा NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो कि मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, अगर हम इसमें देखें इधर, तो जो मुंबई और मुंबई से चेन्नई, इन दोनों को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो मार्ग भी NH4 किस दर्रे से होके है, भोर घाट दर्रे से होके गुजरता है। और इसके पहले वो NH4 मुंबई से चेन्नई जाए तो इसके बीच में ही, मुंबई से जैसे ही हम थोड़ा सा चलते हैं तो पहले हमें पुणे मिल जाता है, तो पुणे से होते हुए वो चेन्नई की ओर चला जाता है। तो ये दक्कन का पठार, इसके
उसके बाद हम देखें महानदी बेसिन। तो देखिए अगर हम महानदी बेसिन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकली हुई नदी महानदी और छोटी छोटी नदियां ये सारी जो मिलके आगे बढ़ती हैं और महानदी का जो पूरा बेसिन बनाती हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ बेसिन है। इस उपजाऊ बेसिन में अगर हम देखें तो धान की खेती विशेष रूप से होती है, और छत्तीसगढ़ में तो अगर हम बात करें तो उसके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि वहां पे जो धान की उत्पादकता है इसी महानदी बेसिन में अधिक से अधिक है। और हम छत्तीसगढ़ को ही अगर उस रूप में कहें तो धान का कटोरा कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा धान के लिए उपयोगी है। उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी जो चंदौली जिला है एक, तो यूपी में चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये महानदी बेसिन है, और महानदी बेसिन जैसा कि बताया गया कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में ये अपना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मुहाना बनाती है। और ये काफी बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती है जैसे, और इसी के जस्ट यदि हम नीचे देखें महानदी के जस्ट अगर नीचे देखें तो चिल्का झील, जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, वो भी इसी नदी के थोड़ा सा दक्षिण में उपस्थित है। तो ये था महानदी बेसिन। अब इसके बाद देखते हैं हम पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो कि ताप्ती नदी से शुरू होता है, अगर हम पश्चिमी घाट को देखें जो कि कहां से, ताप्ती नदी से, और ताप्ती नदी कहां से निकली थी, ये महाबलेश्वर के पास से निकली हुई नदी थी, और ये आगे जो खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ये उल्टा बहने वाली नदी है। तो ये जहां से अपना मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में, वहां से हम अगर दक्षिण की ओर आए तो दक्षिण की ओर आने में जो भी इसका विस्तार है वो विस्तार यहीं से शुरू होकर और फिर केप कैमोरिन तक। ये केप कैमोरिन क्या है, केप कैमोरिन दक्षिण में है। देखिए केप कैमोरिन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार स्थल क्षेत्र जो कि नोक की तरह निकला हो वो केप कैमोरिन कहलाता है। ये केप कैमोरिन को यदि हम देखें तो सबसे नीचे हमें तमिलनाडु में ये केप कैमोरिन दिखाई देता है। अगर आप नाम सुने हुए केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है, और वो अफ्रीका वही केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट जब पहुंचा था। तो इसी प्रकार का ये जो केप कैमोरिन है ये हमारे इधर है दक्षिण में, और यहाँ तक जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट पर्वत का यहाँ तक विस्तार है। अब यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई पूरी 1600 किलोमीटर है। ताप्ती नदी से लेके नीचे तक केप कैमोरिन तक इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। अगर अपने इंडियन क्षेत्र और इस सब की बात करें तो ये लंबाई में दूसरे नंबर का पर्वत श्रेणी है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ भारत में तो उस स्थिति से यदि देखा जाए ये भारत में सबसे ज्यादा लंबा पर्वत है। और इसको एक दूसरे नाम से हम सह्याद्री नाम से भी पुकारते हैं, या फिर इसको सह्याद्री भी कहते हैं। और देखिए ये जो हमें दिखाई तो देता है कि पश्चिमी घाट एक पर्वत है, लेकिन सच में ये कोई पर्वत नहीं है, सच में पर्वत नहीं है। ये है क्या, ये है एक पठार का उभरा हुआ भाग। पठार का उभरा हुआ भाग कैसे, जब इसके पहले वाले लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि अपना ये जो भारत का भूभाग है ये भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है, और वो गोंडवाना लैंड से अलग होके उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। जब ये प्रवाहित हुआ था तो जहां से इसमें दरार पड़ी, जहां से ये अलग हुआ, वहां से नीचे से निकला हुआ लावा ऊपर की ओर आया था, और वही लावा यहाँ चट्टान के रूप में
और पठार के रूप में जम गया था। तो इसी का जो उभरा भाग है वही है ये पश्चिमी घाट पर्वत। सतलुज कोई उस तरह का बना हुआ पर्वत नहीं है। क्या अब यदि हम देखें पश्चिमी घाट के और थोड़ा सा ऊपर यदि हम जाएं गुजरात में, तो गुजरात में ये जो इस क्षेत्र में हम अगर देखें तो इस गुजरात क्षेत्र में हमें तीन पहाड़ियां दिखाई देती हैं, एक मांडव पहाड़ी, दूसरी वर्धा पहाड़ी और तीसरी गिरी पहाड़ी। ये गिरी वही पहाड़ी है जो एशियाई सिंहों के लिए विशेष रूप से विख्यात है। एशियाई सिंह अगर हम देखें कहाँ पाए जाते हैं तो एशियाई सिंह सिर्फ यही गिरी पहाड़ी में ही पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें गुजरात के थोड़ा से उत्तरी भाग की, उत्तरी भाग तो सूखा रहता है लेकिन ये जो गिर पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से यदि देखें तो अच्छा है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, यहाँ बरसात भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर से जो भी हवाएं चलती हैं और जब बारिश का मौसम होता है तो इन्हीं गिर पहाड़ियों से, ये मानसून इन्हीं गिर पहाड़ियों से टकरा के यहाँ पे बारिश कर देता है और फिर इसके बाद ऊपर उठ जाता है और आगे निकल जाता है। तो वो के उत्तर की ओर थोड़ा सा बारिश इसमें कम हो पाती है। अच्छा, इसी अगर हम बात करें पश्चिम घाट की तो पश्चिम घाट में अगर हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें एक कालसुबाई चोटी और एक महाबलेश्वर चोटी, ये दो विशेष चोटियां हैं। तो जो कालसुबाई चोटी है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कालसुबाई चोटी। और यदि हम बात करें महाबलेश्वर चोटी की तो महाबलेश्वर चोटी जो महाराष्ट्र में है जहां से हमारी कृष्णा नदी निकली है और फिर आगे हालांकि वो बह के वो चली तो जाती है पूर्व की ओर ही और बंगाल की खाड़ी में ही मुहाना बनाती है, लेकिन उसका जो निकलना है या उसका उद्गम है वो उद्गम इसी महाबलेश्वर चोटी से है और ये महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक में कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी वो भी किसमें है, इसी पश्चिमी घाट में ही, पश्चिमी घाट पर्वत में ही स्थित है। और यदि हम ब्रह्मगिरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो पर्वत है इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है और कावेरी नदी यहीं से निकल के फिर नीचे की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ तमिलनाडु में पहुंच जाती है और तमिलनाडु में ही आके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और ये नदी इम्पोर्टेंट नदी है और इसमें विवाद भी काफी ज्यादा बना रहा है। अभी अगर हम करंट की बात करें तो कुछ समय पहले ही इसमें काफी विवाद रहा है और ये विवाद हालांकि बहुत लंबे समय से इसमें बना हुआ है। तो इस विवाद में देखिए ये केरल हो गया और अपना ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने एक केंद्र शासित प्रदेश जो इस एरिया में है जिसे हम पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी, तो इसके विवाद में ये तीन चार मतलब केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये चार क्षेत्र इसी समस्या में या फिर इसी विवाद में आते हैं। और अगर हम इसका बहाव क्षेत्र या उसकी बात करें, लेंथ की बात करें, तो हालांकि इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही है। तो अच्छा, आगे देखते हैं। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, क्योंकि ये जो दोनों उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, अगर पूर्वी घाट को देखें ये पूर्वी घाट ऊपर से नीचे की ओर और पश्चिमी को देखें तो ये पश्चिमी घाट ऊपर से नीचे की ओर। अब ये दोनों घाट चलते हैं, पर्वत भी चलते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर जब ये चलते हैं तो ये नीलगिरी, अगर हम देखें इसमें ये नीलगिरी, तो ये दोनों पर्वत क्या करते हैं कि नीलगिरी में आके मिल जाते हैं और ये एक नीलगिरी में ही एक ये गांठ निर्माण करते हैं। नीलगिरी की गांठ जब दोनों मिलते हैं तो एक गांठ रूप में बनती है। और ये जो इसका विस्तार है इस नीलगिरी का, वो विस्तार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीन राज्यों में इस नीलगिरी गांठ का
विस्तार है। और नीलगिरी पर्वत जो है इसी नीलगिरी में डोडा बेटा, इसी नीलगिरी में डोडा बेटा नाम का एक शिखर है जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अभी हम आगे देखेंगे कि अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन यहाँ पे जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा दूसरे नंबर का शिखर है ऊंचाई में, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम देखें एक पर्यटक स्थल जो तमिलनाडु में है, ऊटकमंड, ऊटकमंड जो एक पर्यटक स्थल है वो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। और अब देखिए ये नीलगिरी को जो कि तीन जगह पे विस्तारित थी, देखिए एक क्षेत्र ये ऊटकमंड तमिलनाडु में हो गया। अब यदि इसकी हम बात करें केरल में, तो केरल में साइलेंट वैली, अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, और कभी कभी पूछता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है, इसका क्या है वहां, तो नाम से ही समझ में आता है साइलेंट मतलब शांत, ठीक है। तो साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ बहुत सारे तरह की स्पीसीज मतलब बहुत सारे तरह के जंतु और बहुत सारी प्रजातियां वृक्षों की और पेड़ों की, पौधों की और जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है। और ये केरल में है और ये सदाबहार क्षेत्र है। सदाबहार क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जहाँ के जो पौधे हैं वो सालों भर हरे भरे रहते हैं, वो अपनी पत्तियां गिराते नहीं है सालों भर, गिराते हैं तो इस क्रम में गिराते हैं कि वो सदा हरे भरे रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि एक बार में ही सारी पत्तियां गिरा दें और पतझड़ हो जाए, ऐसा नहीं होता है, तो ये विशेषता है उसकी। इसके बाद अगर हम नीलगिरी को देखें और नीलगिरी पर्वत के जस्ट हम दक्षिण में जाएं, नीलगिरी पर्वत और नीलगिरी पर्वत के जस्ट हम दक्षिण में जाएं, तो हमें एक पालघाट दर्रा मिलता है। ये जो पालघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रा ही केरल को और तमिलनाडु को रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से, दोनों मार्ग जो हमारे केरल और केरल से तमिलनाडु की ओर गए हैं, वो दोनों के दोनों मार्ग इससे गए हैं, इसी पालघाट दर्रे से गए हैं, और इसी पालघाट दर्रे के माध्यम से हम केरल से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरल की ओर यात्रा करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रे से यदि हम थोड़ा दक्षिण को चलते हैं, पालघाट दर्रा और पालघाट दर्रे से अगर हम दक्षिण से चलते हैं, इसको आप इतने ज्यादा क्लियर यदि में समझ में आए तो, जैसे आपके पास यदि भौतिक मानचित्र यदि हो, आपके पास फिजिकल मैप ऑफ इंडिया अगर फिजिकल मैप हो आपके पास, तो उससे आप इसको देख सकते हैं। जो चीजें यहाँ पे दर्शाई नहीं गई है छोटी छोटी, वो आपको इंडिकेट करके बताई जा रही है, तो उनको आप तो उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली आप उसमें देखें तो उसमें और भी समझ में आ जाए, और इस लेक्चर के साथ उसको कनेक्ट करें ताकि मैपिंग आपके दिमाग में हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें यहाँ है, और इस तरह से यदि मैप से आप जियोग्राफी समझ लेंगे तो आपको भूलेगी नहीं, वो याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रे के जस्ट हम जैसे दक्षिण में जाते हैं, तो दक्षिण में एक हमें गांठ मिलती है, उस गांठ को हम कहते हैं अनाईमुडी, ठीक है। अनामुडी नाम की एक गांठ मिलती है। इसके पहले अभी बताया गया था कि अनामुडी यही क्या है कि सबसे ऊंची चोटी, अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये है, तो ये जो अनामुडी की गांठ है एक प्रकार से, तो इस गांठ में देखिए तीन और पहाड़ियां निकली है, एक उत्तर की ओर और एक उत्तर पूर्व की ओर, एक दक्षिण की ओर। तो यहाँ से देखिए जो उत्तर की ओर जो निकली है पहाड़ी, या उत्तर उत्तर की ओर जो श्रृंखला निकली है उसको हम बोलते हैं अनाई मलाई, और जो दक्षिण की ओर चली गई है उसे हम बोलते हैं कार्डमम, और जो उत्तर पूर्व की ओर चली गई है उसको हम बोलते हैं पालन। तो देखिए जो ये अनामुडी है, तो अनामुडी में ही अभी बताया सबसे ऊंची चोटी अनामुडी में ही स्थित है। इसके बाद देखिए कार्डमम पहाड़ी, अभी यहाँ पे बताया गया था कि जो उत्तर की ओर जो जाती थी
वो अनाई वाली थी, मतलब जो उत्तर की ओर जो जाती थी वो अन्नमलाई थी, और जो दक्षिण की ओर नीचे चली जाती थी उनको हम कार्डमम कहते थे, और जो पूर्व की ओर चली जाती थी वो क्या थी, पालनी पहाड़ी। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है जो कार्डमम पहाड़ी है वो कार्डमम पहाड़ी क्या है, दक्षिण की ओर जो गई थी श्रृंखला उसमें है, और ये सबसे दक्षिण की है, इसके बाद कोई भी पहाड़ी दक्षिण में नहीं है। इसको हम इला मलय नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद एक प्रसिद्ध स्थल कोडाई कनाल, कोडाई कनाल कहाँ पे है, पालनी पहाड़ी पे है। वो गांठ जो थी उसी गांठ से जो पालनी पहाड़ी निकली है, वो पालनी पहाड़ी जो कि पूर्णतया क्या है, तमिलनाडु में, ठीक है, इस तमिलनाडु में ही स्थित कोडाई कनाल एक विशेष पर्यटक क्षेत्र है। और देखिए अनामलाई एवं कार्डमम, ये जो दोनों पहाड़ी हैं अनामलाई और कार्डमम, ये केरल और तमिलनाडु इन दोनों की सीमा में, मतलब अनामलाई और कार्डमम दोनों पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल की सीमा को बनाती हैं। इसके बाद एक सेन कोट्टा गैप है, सेन कोट्टा गैप वो भी एक छोटा दर्रा है जो बहुत विशेष नाम में नहीं आता है, ये भी कार्डमम पहाड़ी पे है, और जो कि क्या है कि मदुरई से तमिलनाडु तिरुवंतपुरम, अगर हम बात करें मदुरई से तिरुवंतपुरम की, तो मदुरई से तिरुवंतपुरम को जो जोड़ता है दर्रा, तो वो कौन सा गैप जोड़ता है, सेनकुट्टा गैप जोड़ता है। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट और जो भी और इसला कर दिया थी। इसके बाद हमारे पास जो पूर्वी घाट बचता है, तो उस पूर्वी घाट को भी हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे, और इसमें जो बची हुई स्थलाकृतियां हैं उनको भी आगे हम अच्छे से देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।